मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला साबित किए थे और कुछ बाकी भी था। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला। तो पिछले क्लास में हमने साबित किया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्स का मान जीरो से बड़ा, वाई का मान जीरो से बड़ा एंड इस दोनों का गुणनफल एक्स वाई का प्रोडक्ट वन से छोटा हो। और इसका एक और फॉर्मूला जानिए, इसी में अगर एक्स का मान जीरो से बड़ा होगा, वाई का मान जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट वन से बड़ा हो जाए तो इसमें हम पाई जोड़ देंगे। जो इसका फॉर्मूला है इसी में हम पाई जोड़ देंगे। ये जो है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे वन माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स ये जो फॉर्मूला है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्स का मान जीरो से बड़ा, वाई का मान जीरो से बड़ा और इसका प्रोडक्ट एक्स वाई का प्रोडक्ट वन से छोटा होना चाहिए। और अगर वन से बड़ा हो गया तब इसी फॉर्मूला में हम पाई जोड़ देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर हो गया था, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम है टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री इक्वल टू पाई, ये साबित करने को कहा। तो एलएक्सएस से चले, ये टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। ध्यान दीजिए यार, तीन टर्म है तो तीन टर्म वाला तो फॉर्मूला नहीं होता है डायरेक्ट। तो इसलिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसका मान आप जान रहे हैं टेन इनवर्स वन का, तो इसके जगह पे इसका मान रख देंगे। टू और थ्री का मान नहीं जानने हैं तो इसको फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे। ये टेन इनवर्स वन है तो वन को लिखेंगे टेन पाई बाय फोर और इस दोनों को अलग कर देंगे। इसको ले लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। तो इस केस में टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का सूत्र, यहाँ एक्स का मान जीरो से बड़ा है, यहाँ वाई का मान जीरो से बड़ा है, थ्री है तो जीरो से बड़ा है, एक्स का मान जीरो से बड़ा, वाई का मान जीरो से बड़ा, लेकिन इस दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट दो और तीन का गुणनफल एक्स गुना वाई यानी दो गुना तीन ये छह हो जाएगा जो कि एक से बड़ा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला। तब यहां पर हो जाएगा इसका फॉर्मूला पाई प्लस टेन इनवर्स, फॉर्मूला वही टू प्लस थ्री बाय वन माइनस टू इंटू थ्री, ऊपर में जोड़ या नीचे में वन में से दोनों को गुना को घटाते हैं, ये हो जाएगा। यहां हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा यानी पाई बाय फोर प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स फाइव बाय माइनस फाइव, ये कटेगा वन और ये हो जाएगा पाई बाय फोर प्लस पाई। यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस वन यानी टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर हो जाएगा तो ये माइनस बाहर हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन, ये पाई बाय फोर प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स से यहां पर टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं इसको। फिर यहां देखिए पाई बाय फोर प्लस पाई यहाँ पे माइनस टेन वर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर, ये और ये कैंसिल और ये हो जाएगा पाई। आर एच एस प्रूव्ड।
तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, यहाँ भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, और इसको मान करके, क्योंकि यहाँ भी वो फॉलो कर रहा है, ये भी वन जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, तो इस दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका मान आप जान रहे हो उसको डायरेक्ट आप मान लिखिए, और इसका नहीं जानते तो इसको हम एक्स और वाई करके हम ये फॉर्मूला लगा दिए। तो जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन हो तो इस केस में पाई जोड़ देंगे, अन्यथा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां साबित करना है टू टेन इनवर्स एक्स का तीन फॉर्मूला लिखाए थे पिछले में, साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला कैसे आता है देखिए, एक फॉर्मूला तो जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई से था, यहां से भी आप कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बटे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। इसी में अगर हम पुट कर दे वाई इक्वल टू एक्स, तो देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स इंटू एक्स, यहां हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से साबित हो सकता है, और दूसरा देखिए यहां पर, यहां पे आप चलेंगे इससे x के जगह पे हम पुट करेंगे tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ यहां से चलते हैं sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम x के जगह पे 10 फुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है, साइन 2 थीटा, यहां हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2 थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स। तो हम कह सकते हैं इसके इक्वल टू ये, देयरफॉर 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2 एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां फॉर्मूला साबित हो गया। दूसरा इसी तरह से हम इससे चलेंगे कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी हम एक्स के जगह पे टेन ही पुट करेंगे, यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला कॉस टू थीटा का है, यहां हो जाएगा कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस हट करके कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, यहां हो जाएगा टू थीटा, और ये हो जाएगा टू थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, यहां से टेन इनवर्स एक्स। तो हम कह सकते हैं दैट इज टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी ये फॉर्मूला साबित हुआ। और तीसरा फॉर्मूला है टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ये देखिए कहां से, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया,
एक्स के जगह पे वाई पुट कर देंगे या नहीं तो वाई की जगह पे एक्स, वाई की जगह हम एक्स पुट करते हैं, या टेन इनवर्स एक्स वैसे रहेगा, यहाँ वाई की जगह एक्स, यहाँ भी वाई की जगह एक्स और यहाँ भी वाई की जगह एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स एक्स टू एक्स बट्टे वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक तरीका हो गया। और तीसरा कर सकते हैं ये, और इसी का सेकेंड मेथड आप क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे आर एच एस में एक्स की जगह पे टेन थीटा, और सॉल्व करते करते फिर आ जाएगा ये, इसका सेकेंड में देख लीजिए सेकेंड मेथड पुट टेन इनवर्स टू एक्स बट्टे वन माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पे टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू टेन थीटा बट्टे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला, याद रहना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा चैप्टर है कि इसमें आपको क्लास अलेवेंथ का ट्रिग्नोमेट्री जितना बेहतर होगा उतना आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जितना आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री आपका बेहतर होगा उतना ही आपका कैलकुलस बेहतर होगा। तो यहाँ हो जाएगा टेन वर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा यानी टू थीटा, और ये हो जाएगा टू थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो हम कह सकते हैं दिस इक्वल टू दिस प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बाय वाई माइनस एक्स। तो ध्यान देंगे सर, यहां देखिए टेन इनवर्स एक्स और यहाँ कॉट इनवर्स वाई दे दिया, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हुआ है कि एक टेन इनवर्स ए और एक कॉट इनवर्स, आपको फॉर्मूला जब भी बताया है तो टेन इनवर्स एक्स तब टेन इनवर्स वाई, मतलब दोनों टेन इनवर्स नहीं होना चाहिए, तो आप कॉट इनवर्स को तो टेन इनवर्स में बदल ही सकते हैं। तो इससे यहां पर हो जाएगा एल एच एस से चले तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई से चलेंगे, और ये टेन इनवर्स एक्स रहेगा और कॉट इनवर्स का उल्टा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको उल्टा देंगे ये हो जाएगा वन बाय वाई। अब इसको आप एक्स माने और इसको वाई माने, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साबित कर चुके हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, इस फॉर्मूला को ध्यान में रख करके आप इसे बनाना शुरू कर दीजिए। ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की जगह वन बाय वाई बट वन माइनस एक्स इंटू वाई, इस दोनों का प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू एक्स एक्स बाय y, और यहां पे हो जाएगा टेन इनवर्स मल्टीप्लाई करिए तो ये एक्स वाई प्लस वन बाय वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई, ये y से y कैंसिल होगा और ये होगा टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बाय वाई माइनस एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉट इनवर्स फाइव प्लस कॉट इनवर्स सेवन प्लस टू कॉट इनवर्स एट। तो सबसे पहले कॉट इनवर्स आ गया, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला थोड़ा कठिन हो जाता है, और आप कम से कम फॉर्मूला याद रखें जिससे कि प्रॉब्लम बनाने में और भी आसान हो, तो कम से कम फॉर्मूला में ही इसको बनाना है। तो इस दोनों को यदि हम एक जगह लिख करके टू कॉमन ले लें तो बेहतर होगा, तो एनएचएस करें और ये टू कॉट इनवर्स फाइव प्लस टू कॉट इनवर्स एट, और इसको लास्ट में लिखेंगे कॉट इनवर्स सेवन। फॉर्मूला तो टेन इनवर्स में बताया है इसलिए कॉट इनवर्स का उल्टा टेन इनवर्स कर देंगे, इस दोनों में दो कॉमन ले लेंगे और कॉट इनवर्स इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाय फाइव,
यहाँ 5/1 है, उलट करके 1/5 प्लस 2 तो कॉमन ले लिए थे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/8 और ये cot इनवर्स 7 अलग में रहने दीजिए, उसको भी उल्टा देंगे अगले स्टेज में। ये 2 हो जाएगा, इसको x मानिए, इसको y मानिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट, तो 1/40 हो जाएगा। और इसको उल्टाएंगे तो tan इनवर्स 1/7, यहाँ पे ये 2 रहा tan इनवर्स, यहाँ पे 8/5 13 बट्टे 40 होगा और यहाँ पे 39/40 होगा। यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 40 से 40 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये भी कटेगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इस टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि 2 tan इनवर्स x और यहाँ पे tan इनवर्स y, अगर ये 2 नहीं रहता तो 2 नहीं रहने पर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ 2 है तो पहले इस 2 को हटाने के लिए फॉर्मूला जो tan इनवर्स वाला होता है, ये 2 tan इनवर्स x से सिंगल tan इनवर्स x में जाने के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, अभी अभी साबित किए हैं, ये होता है tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो ये 2 हट करके सिंगल tan इनवर्स में आ जाता है, तो यहाँ पर वही करिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स मीन्स यहाँ 1/3 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने से ये होगा 1/9 और ये tan इनवर्स 1/7। अब यहां देखिए tan इनवर्स, यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और यहां 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये कटेगा tan इनवर्स 2/3 और ये उलट जाता है 9/8, यहाँ tan इनवर्स 1/7 2 4 जाए 8 3 3 जाए 9, यहाँ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब तो इसे आसानी से कर सकते हैं, इसको x मानने का, इसको y मानने का, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट, तो 3/48। यहाँ पे tan इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे 21/4 25 बट्टे 28 और यहाँ भी 28 में से 3 घटेगा तो 25/28, ये जितना ऊपर उतना नीचे, कट के 1 होगा और ये tan इनवर्स 1 है तो tan कितना का मान, 5/4 का मान, तो ये 10 से 10 हट करके tan इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो 5/4, यही RHS था साबित करने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले जब भी cot इनवर्स में रहे तो उसको tan इनवर्स में बदल लेंगे और जहां जहां ये कॉमन आने वाला चीज है उसको एक जगह करके पहले 2 कॉमन ले लिए और इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिए कन्वर्शन फॉर्मूला जो पहले आपको बताए हैं, और यहाँ पर ये 2 वैसे रहा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए और वो cot इनवर्स tan इनवर्स 1/7 हो गया। यहाँ पर आ गया कैलकुलेशन के अंदर में, तो ये कैलकुलेशन होकर के 2 tan इनवर्स 1/3 और ये tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x
का फॉर्मूला होता है सिंगल टेन इनवर्स x में जाने के लिए टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, इसलिए हमने 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया और यहां पर टेन इनवर्स 1 बाय 7। अब इसको कैलकुलेट किए तो टेन इनवर्स ये आया और यहाँ पे ऐसा हुआ, उसके बाद यहाँ भी कैलकुलेशन करने से आ गया टेन इनवर्स 3 बाय 4 और यहाँ टेन इनवर्स 1 बाय 7। अब इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का अगेन वो फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करते करते टेन पाई बाय 4 यानी 1 और ये टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, जितना बड़ा देखने में है उतना ही कम समय में उतना ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, देखते ही आप आंसर इसका दे सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने के बाद, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर ये दे कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे वन प्लस एक्स वाई होगा। अगर इतना दिए तो आप ये लिख सकते हैं, तो इसको आप ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम आपको कहे कि टेन इनवर्स ए माइनस बी बट्टे वन प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला है, तो आप वेरी इजी वे में कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, है कि नहीं। अगर टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हुआ तो इसके बदले ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार टेन इनवर्स यहां दे देंगे बी माइनस सी अपॉन वन प्लस बी सी, तो इसके बारे में आप कह सकते हैं बच्चों कि यह टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी का फॉर्मूला है, कह सकते हैं। तो देखिए अब यहां चलते हैं यहां से एलएचएस, एलएचएस है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, यहां टेन इनवर्स बी माइनस सी अपॉन वन प्लस बी सी, टेन इनवर्स सी माइनस ए वन प्लस सी ए। तो देखिए यह किसका फॉर्मूला है वो लिख दीजिए, ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, अभी अभी आपको बताया है। और ये किसका फॉर्मूला है उसी पैटर्न पर, देखिए 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 टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी का, और ये किसका फॉर्मूला है तो टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए का उसी पैटर्न पर। अब देखिए कौन कौन जाएगा, ये टेन इनवर्स ए माइनस में टेन इनवर्स ए प्लस में कैंसिल, टेन इनवर्स बी माइनस प्लस, ये टेन इनवर्स सी माइनस में प्लस में, ज्यादा लागू तो रुकता नहीं है, सब चल गया जीरो, वेरी सिंपल प्रूफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखाए थे आप लोगों को, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स लेंगे तो रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस जब वाई लेंगे तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसको साबित करने जा रहे हैं एलएचएस से, एलएचएस है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। देखिए इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, अगर एक साइन इनवर्स रहे एक कॉस इनवर्स रहे तो दोनों को सेम कर लेना है, या तो दोनों साइन इनवर्स होना चाहिए या दोनों कॉस इनवर्स में या दोनों टेन इनवर्स में, ऐसा नहीं कि एक साइन इनवर्स में है और एक कॉस इनवर्स में है तो फिर कैसे होगा, जैसे कि यहां पर, तो पहले सेम कर लेंगे और सेम वैसा ही करेंगे जैसा कि आरएचएस में हमको लाना है, तो ये साइन इनवर्स में है तो इधर भी साइन इनवर्स है ही, तो यहां पर इसको एक्स और इसको वाई मानते हैं बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम यहाँ लिखा चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 3/5
रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे, वाई ये हो गया, ये हो जाएगा आठ का स्क्वायर चौसठ बट्टे 289, फिर प्लस वाई आठ बट्टे सत्रह रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा नौ बट्टे पच्चीस। यहां पर साइन इनवर्स तीन बट्टे पांच ये हो जाएगा 289 माइनस चौसठ, 225 बट्टे 289 प्लस 8 बट्टे 17, यहां पर 25 में से 9 घटेगा, ये हो जाएगा 16 बट्टे 25। यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 3 बाय 5 और यहां इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 17 प्लस 8 बट्टे 17 गुना 4 बट्टे 5, यहां पर हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 15 या 45 बटे 85 और यहाँ पे 32 बटे 85। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको काट देना चाहिए, काटे इसलिए नहीं कि 17 बचे 85 नीचे में आ रहा है दोनों जगह, तो एलसीएम लेने में आसान होता है और साबित भी वही करना है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स जोड़िए, ये हो जाएगा 77 बटे 85। आरएचएस प्रूफ, यहां साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स। देखिए एक है साइन इनवर्स में, एक है कॉस इनवर्स में और साबित करने को है 10 इनवर्स में। तो आपको बताया या तो साइन इनवर्स दोनों होना चाहिए या कॉस इनवर्स या दोनों 10 इनवर्स, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तीनों डिफरेंट है, तो इसलिए या तो इस दोनों को सेम करने के लिए साइन इनवर्स में कर लो या कॉस इनवर्स में या 10 इनवर्स में, तो 10 इनवर्स में करिए ताकि हमको आरएचएस में 10 इनवर्स लाने के लिए भी है, तो इसलिए दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे कन्वर्सन फॉर्मूला से 10 इनवर्स में। देखिए कैसे करते हैं, साइन इनवर्स 5/13 को 10 इनवर्स में व्यक्त करना है, चलिए एलएचएस से, यह साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो गौर कीजिए, आपको बताया है 10 इनवर्स में कैसे बदलते हैं, जैसे साइन इनवर्स 5/13 है तो साइन होता है पी बाय एच, ये हो गया पी और ये हो गया एच, तो बी कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 12। तो यहां पर साइन इनवर्स को बदलना है 10 इनवर्स में, तो 10 इनवर्स लिख देना है और 10 होता है पी बाय बी, पी हो गया 5 और बी हो गया यहां पर 12, ये होगा 5/12। यहां पर कॉस इनवर्स को भी चेंज करना है 10 इनवर्स में, तो यहां देखिए ये हो जाएगा बी, बी इक्वल टू 3 और ये एच हो जाएगा 5, तो आप पी निकालिए 4 आएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स पी बाय बी यानी 4/3। अब देखिए इसको एक्स मानेंगे इसको वाई मानेंगे, ये आ गया 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की फॉर्मूला पे जो बहुत आसान होता है, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस दोनों का गुणनफल, गुणा करेंगे 500 के 20 और यहां 12 36, यह हो जाएगा 10 इनवर्स, पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 5 प्लस यहां पे 16 बट यहां पे 36 माइनस 20 बट 36, यहां पर हो जाएगा 10 इनवर्स 21/12 बट
यहां 16/36 या हो जाएगा टेन इनवर्स 21/12 पलट करके 36/16 बारह दिया 36। अब देखिए यह आ जाएगा टेन इनवर्स 21 किया 63/16 RHS प्रो। देखिए क्या कर क्या करना है, जब आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सबका सब डिफरेंट है तो दो को सेम करिए और वैसा सेम करिए जैसा कि हमको RHS में लाना है। तो टेन इनवर्स को हमने इस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को बदल दिया टेन इनवर्स में कन्वर्सन फॉर्मूला से, पहले भी बता चुके हैं, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पर ब्रेक करना आप जानते हैं। तो इस तरीका से अब इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आदमी से